Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to discuss very interesting topic, percentage. Today this is the first part, first not, this is the second part, okay? This is the second part. Okay student? तो इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको मैं कल बताया था. आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट. जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड 22% ऑफ 120. ओके, 22% ऑफ 120 हमें फाइंड करना है. तो स्टूडेंट, कल मैंने आपको बताया था, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि किसी भी अगर परसेंट को आपको किसी फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना है, और किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो क्या करना है, इस पर डिस्कशन मैंने किया था. तो अब यहां पे इसको सिर्फ आपको करना क्या है, इसे स्टूडेंट 22% को करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से डिवाइड किया जाता है इसे फ्रैक्शन, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है. इट मीन्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऑल्सो इन दिस फॉर्म. ओके, नाउ जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये फाइव से टू, टू से फाइव टाइम में और टू से ये सिक्स टाइम में. ओके, देन स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 × 6/5. ओके, इट मीन्स 132/5. ओके स्टूडेंट, अब इसे हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में चाहिए, अगर डेसिमल फॉर्म में चाहिए तो इसे डेसिमल फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं. तो या तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना होगा, 2/6 whole 2/5. ओके, या डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो 26.4 हो जाएगा. ओके, तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया. अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, 26.4. क्लियर है? तो 26.4 आपका आंसर हो गया. ये दोनों में से कोई भी आप आंसर कर सकते हो. क्लियर है? नेक्स्ट वन, 25% ऑफ 10 kg. ओके, ये कोई भी यहां पे इसकी क्वांटिटी का यहां पे यूनिट नहीं दिया था, सिर्फ ये नंबर था. तो नंबर का हमने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी, तीनों में से कोई जो आपको यहां पे गिवन है उसको आप ले सकते हो. क्लियर है? अब यहां पे 25% ऑफ 10 kg, तो सिमिलरली यहां उसी तरीके से करेंगे, 25/100 × 10 kg का वैल्यू क्या होता है, तो 10 kg को हम 10,000 ग्राम में चेंज करेंगे. ओके, या अगर केजी में पॉसिबल है तो केजी में भी कर सकते हैं, केजी में ही उसका आंसर होगा, डोंट वरी. तो 10 कर लेते हैं. क्लियर है स्टूडेंट? ये 10 टाइम में होगा, देन 25/10, इट मींस 2.5 kg. क्लियर है? इस तरीके से इसका 10% निकल गया. सिमिलरली एक और क्वेश्चन गिवन है, यहां पे गिवन है स्टूडेंट 16.5% को हम 100 से डिवाइड करेंगे इनटू 5000 मीटर. ओके, देन 5000 मीटर, तो इसे हम ऐसे 50 टाइम में कैंसिल कर सकते हैं. अब इसे स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 से 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25 825. ओके, तो 825 का मतलब क्या हो गया, ये टू प्लेस पे, यहां पे देखो टू यहां पे नंबर है, तो टू प्लेस पे इसे ऐसे हम लिख सकते हैं. क्लियर है? तो ये क्या लिखा जाएगा, मीटर लिखा जाएगा, 825 मीटर. क्लियर है? तो ये अलग अलग यूनिट का परसेंटेज कैसे हम फाइंड करते हैं उस पर हमने अभी डिस्कस किया. नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट फाइंड द नंबर ए, इफ यहां पे नंबर ए की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर है? और बाकी यहां पे टर्म कंडीशन दिया हुआ है,
तो इससे पहले आपको सिखाया जा रहा है कि इसको कैसे हम एक्सप्रेस, जो हमारा लैंग्वेज यानी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है उसे हम कैसे, सॉरी यहाँ पे जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसे हम मैथमेटिकल कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उस पर हमें ध्यान देना है। बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली 8.4 डिवाइड बाई 100 इंटू ए इक्वल टू, अब इज के जगह पे यहाँ पे क्या कर देना है स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है 8.4% ऑफ ए, यानी ए का 8.44% 42 है, तो सिमिलरली यही बात होगी। तो अब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका साइड जब हम चेंज करेंगे तो ऐसे ही से लिख सकते हैं क्या, इसे लिखा जा सकता है ऐसे, क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 42 इंटू हंड्रेड इंटू 10/84, थोड़ा सा कन्वीनियंस होगा, डेसिमल हमने रिमूव कर दिया। अब 42 से 2 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, ओके। अब स्टूडेंट यहां पे हमारी वैल्यू क्या हुई, 500, क्लियर है। तो 500 तो ए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, हेंस द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 500, ओके। 500 का 8.4% 42 होगा, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। सिमिलरली इसको करेंगे तो इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट, वही फॉर्मूला तो वही है, इक्वल टू 3, ओके। देन स्टूडेंट इसे फिर ए नंबर को वन साइड करोगे, डिवाइड बाय 0.5, ओके। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो अभी हमने किया था, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के वन प्लेस के बाद ही डेसिमल है तो 10 से होगा। सिमिलरली 5 2 10, तो इट मींस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, तो ये आपका ए का वैल्यू हो गया, क्लियर है। तो 600 का 0.5% कितना होगा, 3 होगा, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 600 हो गई, क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे भी ध्यान से समझिए, इसे हम लोगों को क्या करना है, x इज 5% ऑफ y, y इज 24% ऑफ z, इफ x इक्वल टू 480 फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z, क्लियर है। अब स्टूडेंट यहां पे x इज 5% ऑफ y, तो गिवन है x इक्वल टू 480। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 5% ऑफ y, ये जो लाइन है हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, दिया हुआ है x इज 5% ऑफ y दिया हुआ है, तो इसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। तब x का वैल्यू यहां पे गिवन है तो इसे हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 480 इक्वल टू 5% ऑफ y, देन स्टूडेंट इसे हम ऐसे लिखेंगे 480 इक्वल टू 5/100 इनटू y, ओके। अब इसे न्यूमेरिकल वैल्यू को वन साइड करेंगे तो 480 इंटू 100 रेसिप्रोकल हो जाएगा बाय 5, 5 से 20 टाइम में हो गया स्टूडेंट। देन वी कैन आल्सो राइट y इक्वल टू 9600, y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, क्लियर है, y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहां पे कह रहा है कि y इज 24% ऑफ z, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज 24
y इज 24% ऑफ z. ओके, तो y इक्वल टू 24% ऑफ z. तो y के जगह पे हम किसको रिप्लेस करेंगे, यहां हमारा y का वैल्यू हमने डिराइव किया है, तो इसे क्या लिखेंगे, 9600 इसे हम 24/100 इनटू जेड. क्लियर है स्टूडेंट? अब इसे हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वन साइड करेंगे इक्वल टू जेड, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनवर्स होगा, ये 400, देन जेड इक्वल टू 400 इनटू 100. ओके, द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इट मीन्स 40,000. दिस इज योर आंसर. तो y की वैल्यू और z की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया. क्लियर है? तो सबसे पहले इसको कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट, उस पर ध्यान देना है. तो हमें वन वैल्यू गिवन था, तो उसका यूज करके y को फाइंड किया, फिर y हमारा जैसे ही हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली इसको हमने फाइंड कर लिया. क्लियर है? नेक्स्ट वन, ए कूली डिपोजिट्स रुपीज 150 पर मंथ इन हिज पोस्ट ऑफ हिज सेविंग बैंक अकाउंट इफ दिस इज 15% ऑफ हिज मंथली इनकम, फाइंड हिज मंथली इनकम. क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पे क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन में गिवन है कि एक कूली डिपोजिट रुपीज 150 पर मंथ, एक कूली है सो पर मंथ 150 रुपए जमा करता है, किस चीज में, इन हिज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक होता है उसमें 150 रुपीज पर मंथ जमा करता है. वो कह रहा है इन दिस इज 15% ऑफ हिज मंथली इनकम, तो उसका मंथली इनकम फाइंड करना है. अब स्टूडेंट इससे पहले आप इस चीज को समझ गए हो कि अगर कोई चीज नहीं पता है हमें तो उसके जगह पे कुछ दिया हुआ था तो उसे हमने फाइंड कर लिया, बट अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सेल्फ उसे लेट करना है कि वो जो दिया है उसे हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को इट मीन सॉरी मैथमेटिकल सिंबल का यूज करके उसे लेट करेंगे. तो अब यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे लेट करेंगे, जो यहां पे हमें फाइंड करना है उसे लेट कर लेंगे. लेट द मंथली इनकम बी रुपीज एक्स. ओके, मंथली इनकम को हमने एक्स रुपीज लेट कर लिया. अब इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहां पे कह रहा है कि जो वो 150 है वो इसका 15% है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 इज 15% ऑफ एक्स. क्लियर है स्टूडेंट? यहां पे क्या कर रहा है कि 150 जो है उसका जो सेविंग है वो टोटल इनकम के क्या है, 150% है. तो सेविंग यहां पे क्या है, सेविंग सेविंग इज 15% ऑफ हिज इनकम. ओके, तो ये है, तो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, तो अब इसे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो जो प्रीवियस हमारा इसी तरीके का था जो हम अभी जस्ट करके आए हैं, ये आप देख सकते हैं. ओके, इसी तरीके का था, यहां पे एक्स इज 5% ऑफ वाई, तो यहां पे एक्स की वैल्यू गिवन थी, तो उसी तरह से वहां पे उसको भी हम उसी प्रोसीजर से इसे आगे बढ़ेंगे. 150 इक्वल टू इज के जगह पे क्या होगा, इक्वल टू 15/100 इनटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट. नाउ अब इसको क्या करेंगे, एक्स ये साइड चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. ओके, इट मींस एक्स
एक्स इक्वल टू 10 × 100, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1000। अब स्टूडेंट यहीं इसको नहीं छोड़ना है, अब आपने एक्स तो लेट किया था तो यहां पे इसे क्या लिखोगे, हैंस द मंथली इनकम ऑफ अ कूली इक्वल टू 1000 रुपीज। ओके, ऑफ कूली यहां भी कर लो। ओके, मंथली इनकम ऑफ कूली। क्लियर स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट वाला क्वेश्चन है भी नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन, आशा गॉट 86.875% मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन। इफ सी गॉट 695 मार्क्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट अक्सर आप लोग देखते हो कि आपको जो मार्क्स आता है तो उसमें आपको परसेंटेज फाइंड करने में या परसेंटेज बता दिया जाता है तो कितना मार्क्स हुआ, ये आपको थोड़ी सी असुविधा होती है छोटे क्लासों में, लेकिन इस चीज को आपको अच्छे से समझना होगा, सारी चीज आप समझ जाओगे। ठीक है, स्टूडेंट यहां पे जो टोटल मार्क्स यहां पे हमें फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, लेट द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन का टोटल मार्क्स कितना है। लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो एग्जामिनेशन का है वो कितना है, तो उसे हमने क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन पे फिर एक बार चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है कि ये जो है तो यहां पे लिख रहा है 695 इक्वल टू 86.875% यहां पे एज लिख लो परसेंट ऑफ एक्स। अब ये हमारा जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है ऐसे हो सकता है, 695 जो है वो इतना परसेंट है, 86.875% ऑफ एक्स हो गया। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है, तो इसे सिमिलरली जो प्रीवियस में हम लोग किया 695 इक्वल टू 86.875/100 इनटू एक्स। क्लियर स्टूडेंट, अब यहां पे इसको वन साइड करोगे 695 × 100 डिवाइड बाई 86.875। ओके, तो स्टूडेंट यहां डेसिमल है इक्वल टू एक्स। अब इसका डेसिमल को रिमूव करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे 30 लाना होगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा कन्वीनियंस होता है स्टूडेंट। इसे ऐसे लिख लेंगे एक्स इक्वल टू। ओके, अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे और इसे कैंसिल करना होगा, तो कैंसिल में भी ये 5 से होगा, तो 5 से इसे देखते हैं, 5 से 1 टाइम में, फिर ये 3 टाइम में, फिर ये 9 टाइम में। ओके, ये 5 से कितने टाइम में होगा, 1, 7, 3, 5, 5। ओके, अब स्टूडेंट ये डिविजिबल है कि नहीं है, इसको 139 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1, 7, 3, 5, 5।
टू टाइम में 278 सेवन सिक्स फिर फाइव ओके, तो फोर टाइम में फाइव टाइम में, फाइव टाइम में हो जाएगा स्टूडेंट ओके 125 टाइम में। तो 125 टाइम में इसे हम क्या करेंगे, 125 टाइम में सॉरी 125 टाइम में इसे कैंसिल कर देंगे पूरे को 125। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 100 इंटू 1000 डिवाइड बाई 125, देन x इक्वल टू 100 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम में, देन x इक्वल टू 800, तो 800 मार्क्स। तो यहां पे लिखा जाएगा हेंस द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन इक्वल टू 800 आंसर ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से डेसिमल में था इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, इसको आप जब डेसिमल रिमूव करोगे तो ये 125 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ओके। सिमिलरली स्टूडेंट बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन्स 25% ऑफ फैट्स एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी एक जो सर्टेन डाइट होता है वो क्या होता है बैलेंस डाइट, जो 12% प्रोटीन 25% फैट और 63% कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। अब उसमें कह रहा है कि अगर इफ ए चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज यानी 2600 कैलोरीज की जरूरत है, तो इन दिस फूड डेली फाइंड द कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिज इन हिज डेली फूड इनटेक। क्लियर है, तो प्रत्येक कितना उसे कैलोरी उसमें से मिलेगा। क्लियर है, तो इफ ए चाइल्ड नीड्स इतने उसके नीड्स है, ये कहानी बनाया हुआ है कि आपको कंफ्यूजन हो। इन दिस फूड डेली फाइंड द कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिज हिज डेली फूड इनटेक, यानी इसमें कितना कैलोरी मिलेगा, इसमें कितना कैलोरी और इसमें कितना। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल गिवन दैट टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज है ना, हाँ, इक्वल टू कितना है। अब नाउ अमाउंट ऑफ कैलोरी, कैलोरीज इन प्रोटीन, इन प्रोटीन प्रोटीन्स, तो क्या होगा स्टूडेंट प्रोटीन्स में 2600 कितना परसेंट है 12%, तो 12/100 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना हो गया स्टूडेंट, इसे 26 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 312 कैलोरीज ओके। अब अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन फैट्स, फैट्स में क्या होंगे, तो सिमिलरली 2600 इंटू 25/100, 20 से 20 कैंसिल, तो अब यहां पे 250 यानी 400 कैलोरीज ओके। लास्ट वन यहां पे अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स इक्वल टू स्टूडेंट क्या होंगे कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरी, तो 2600 इंटू
63 बाई 100। तो 26 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो 63, 26, 8, 126, 8361, ओके, 1638 कैलोरीज, ओके। तो इसी तरीके से परसेंटेज हम लोगों को वन बाय वन फाइंड करते रहना है, क्लियर स्टूडेंट। तो अब आप लोगों को जो नेक्स्ट हमारा है वो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस दो तीन दिए हुए हैं जिसे आप लोगों को होमवर्क में इसे कंप्लीट करना है। अगर इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत आएगी तो स्टूडेंट जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।